दुनिया के सातों महाद्वीपों की सात सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने निकले लालपुरा के पर्वतारोही अंकुश कसाना ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बाद वीरवार को हांसी पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। यह अंकुश की तीसरी सफलता है। इससे पूर्व अंकुश कसाना यूरोप की एल्ब्रुस और दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी का फतेह कर चुके हैं। अभी विश्व के चार सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करना बाकी है। अंकुश ने मात्र 1.5 महीने में एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर लिया। मेरी टीम में 3 लड़कियां होती हैं मेरे साथ में, जो हरियाणा से थी, एक कैथल से, एक जींद से और एक नरवाना की थी लड़की। तो आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा? आगे लक्ष्य अगर स्पॉन्सर होता है तो मेरा लक्ष्य लोत्से को विदाउट ऑक्सीजन और एवरेस्ट को दोबारा फतेह करना, एक साथ दोनों चोटी करना। आपने कहाँ से फतेह की थी? नेपाल की तरफ से मैंने इसको फतेह किया, नेपाल साइड से। सरकार से भी डिमांड है हमारी, जो एवरेस्टर को ओहदा मिला है उनको जो पद दिया है उनको सम्मान दिया है वो मुझे भी दिया जाए। कितना टाइम लिया था आपने इसके? ये टोटल एक्सपीडिशन 60 दिन का होता है, तो बेस कैंप पे हम 17 तारीख को पहुंच गए थे, 17 अप्रैल को, उसके बाद हमने 26 तारीख को उसको सबमिट किया। आपको चढ़ते हुए परेशानी किसी प्रकार की? चढ़ते समय काफ़ी परेशानी आई मेरे को। एक टाइम जब हम 7,000 मीटर पे पहुंच गए तो मेरी ऑक्सीजन समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट आधे घंटे का जो सफ़र था मेरा आगे का, वो मैंने मुझे 3 घंटे लगे उसको तय करने में। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मैगजीन्स। अगला लक्ष्य क्या है आपका? अगला लक्ष्य है मुझे विदाउट ऑक्सीजन लोत्से और एवरेस्ट दोनों एक साथ। पहली बार इससे पहले मैं 2 चोटी फतेह कर चुका हूँ, एक अफ्रीका और एक यूरोप। आपको बता दें कि हांसी उपमंडल के गांव लालपुरा के अंकुश कसाना KUK में LLB के छात्र हैं और माउंटेनिंग का उनको शौक है। विश्व के सातों चोटियों को फतेह करने के सपने के साथ वह घर से निकला है। बीते साल दिसंबर में अंकुश कसाना ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस को फतेह किया था, जो 8,895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे पूर्व अंकुश पिछले साल दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची 5,885 मीटर ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है। अंकुश ने अप्रैल के पहले हफ्ते में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की थी और पिछले हफ्ते माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। वीरवार को हांसी पहुँचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हमारी यही डिमांड है, जो हमारे हांसी का नौजवान अंकुश कसाना ने जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, उसके लिए हम हांसी शहर की तरफ से इनका स्वागत करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि इस बच्चे ने बड़ा ही हौसले का काम किया है और एक छोटे से शहर के इस बच्चे ने, किसान परिवार का बेटा है, छोटा सा किसान का बेटा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद दी जाए और सरकार की तरफ से जो खिलाड़ी का एक कोटा होता है वो कोटा बना करके इस युवा नौजवान को सरकार DSP या इनकी जो भी क्वालिफिकेशन के अनुसार इनको सर्विस दी जाए और इनको आर्थिक मदद भी दी जाए, जो इनका हौसला बने और ये दोबारा भी विश्व में अपना देश का नाम रोशन करे, हमारे प्रदेश का और शहर का नाम रोशन। डॉक्टर साहब, आपकी सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो आप अपने परिवार की तरफ से और अपने गाँव की तरफ से तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे एक छोटे से निमंत्रण पर और इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर यहाँ आके इकट्ठे हुए हैं और सभी ने इस अंकुश कसाना के लिए सरकार से और अन्य भाइयों से जो डिमांड करी है, उसके लिए भी मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सारे हांसीवासियों का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है जिन्होंने एक गरीब से आदमी की छोटे से निमंत्रण के ऊपर और इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।